मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक राशिफल तुला। लेकिन दोस्तों, उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक कर लें बेल आइकन पर, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। हर व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले नए साल से यही उम्मीद रखता है। जिसके जीवन में जिस चीज की कमी होती है, वह व्यक्ति उम्मीद करता है आने वाला साल उसके जीवन से वह कमी दूर कर देगा और उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। हमने बीते साल में क्या खोया क्या पाया सब भूलकर नए साल का एक नई ऊर्जा के साथ स्वागत करते हैं। हम सबके मन में आने वाले नए साल को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे नौ वर्ष व्यापार के लिए कैसा रहेगा, नए साल में मनचाही नौकरी मिलेगी या नहीं, क्या नौ वर्ष में दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा या नहीं, आर्थिक दृष्टिकोण से नया साल कैसा रहेगा आदि आदि। इस तरह के सवाल मन और दिमाग में उठते रहते हैं और जब तक हमें इनका जवाब नहीं मिलते तब तक हम बेचैन रहते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों को कुल 12 राशियों में बांटा गया है। इन्हीं राशियों के आधार पर ज्योतिषी किसी भी व्यक्ति का भविष्य और उपाय बताते हैं। सभी राशियों के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं। हर ग्रह का प्रभाव सब पर अलग अलग पड़ता है। इस भविष्य फल की सहायता से आप यह जान पाएंगे 2020 में आपको किस क्षेत्र में उपलब्धि मिलेगी और कौन सा क्षेत्र आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। तो आइए जानते हैं क्या कहता है आपका 2020 का राशिफल। तुला राशिफल 2020 के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए ये साल काफी रोमांचक और बहुत से अलग अनुभव देने वाला साबित होगा। इस साल आप विशेष रूप से अलग अलग जगहों की यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतें और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा बेवजह के झगड़ों और विवादों से खुद को दूर रखें। साल 2020 के राशिफल के अनुसार इस साल धार्मिक कार्यों की तरफ भी आपका रुझान होगा और किसी तीर्थ यात्रा पर जाना हो सकता है। आइए जानते हैं साल 2020 में विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर कैसा रहेगा आपका साल। पारिवारिक जीवन। तुला राशिफल 2020 के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से ये साल काफी अच्छा गुजरेगा। अगर आप लंबे वक्त से परिवार से दूर रह रहे हैं तो इस साल आपकी घर वापसी हो सकती है और साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। इसके अलावा यदि आप अब तक अपने परिवार के साथ ही रह रहे थे तो इस साल आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। परिवार के बड़े सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अप्रैल से जुलाई तक पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य स्थापित होगा। मार्च महीने के बाद सामाजिक दृष्टिकोण से परिवार की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और घर में खुशियों का आगमन होगा। और इस दौरान ध्यान रखें परिवार में किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। कुल मिलाकर ये साल तुला राशि वालों के लिए सुखदायी सिद्ध होगा। वैवाहिक जीवन। तुला राशिफल 2020 के अनुसार इस साल की शुरुआत तुला राशि के जातकों के लिए वैवाहिक दृष्टिकोण से चिंताजनक रहेगी। इस दौरान विशेष रूप से अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। हालांकि फरवरी के बाद स्थिति सामान्य रहेगी और वैवाहिक जीवन के सभी लाभ उठा पाने में सक्षम रहेंगे। आपके जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में तरक्की मिल सकती है, लेकिन इस दौरान उनके साथ मतभेद की स्थिति से बचें। जून से नवंबर तक कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस दौरान अपना धैर्य बनाए रखें क्योंकि कुछ वक्त के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। संतान के प्रति दायित्वों की बात करें तो इस साल विवाह योग्य संतान के लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना है। बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति। तुला राशिफल 2020 के अनुसार आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा। जनवरी से अप्रैल और जुलाई से नवंबर का समय आर्थिक दृष्टिकोण से काफी फायदेमंद रहेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। अप्रैल से जुलाई में जमीन जायदाद या गाड़ी खरीद सकते हैं। निवेश के मामलों में थोड़ी सावधानी से काम लें बेहतर होगा। साल के मध्य में भाग्योदय की संभावना है। ये समय भविष्य के लिए किए जाने वाले निवेशों के लिए अति उत्तम होगा। देखा जाए तो ये साल तुला राशि के जातकों को आर्थिक दृष्टिकोण से मिला जुला फल देगा। स्वास्थ्य। तुला राशिफल 2020 के अनुसार स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल आपके लिए निम्न फलदायी रहेगा। साल की शुरुआत में सेहत के लिहाज से ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे।
फलस्वरूप मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस साल अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, तनाव मुक्त रहने का हर संभव प्रयास करें। नौकरी। तुला राशिफल 2020 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये साल आपके लिए कड़ी मेहनत वाला रहेगा, यानी कि करियर की दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। साल की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में आपको अधिक परिश्रम करने की जरूरत पड़ेगी। अप्रैल से जुलाई के माह में मान सम्मान में वृद्धि होगी तथा अप्रैल से नवंबर में किसी नई जगह नौकरी कर सकते हैं। दिसंबर के महीने में विशेष रूप से पदोन्नति हो सकती है। व्यवसाय। अपने अस्पष्ट और रचनात्मक प्रकृति की वजह से आप व्यवसाय संबंधी नए विचार का प्रयोग करें, इससे आप कार्य स्थल में सफलता अर्जित कर सकते हैं। व्यवसायिक प्रगति के लिए समय अनुकूल है। व्यापारी वर्ग इस साल किसी नए कार्य में धन निवेश करें, उन्हें अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। वर्ष के अंत में कोई भी निवेश करने से पहले जरूर विचार करें, अच्छा रहेगा। पैसों के लेन देन में भी जल्दबाजी ना करें। यदि आप शेयर बाजार से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। सोच समझ कर ठंडे दिमाग से काम करें। अक्टूबर से दिसंबर तक अचानक निवेश करने का अवसर आएगा, परंतु जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। शिक्षा तथा प्रतियोगिता। तुला राशिफल 2020 के अनुसार तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए ये साल मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। हालांकि ये समय आपके लिए फलदायी रहेगा, लेकिन आप खुद की आदतों की वजह से परेशानी का सामना कर सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा आलस्य का त्याग करें। जून से नवंबर का समय उच्च शिक्षा के लिए सफलता भरा रहेगा। मई से सितंबर में शिक्षा की दिशा में विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। मुख्य तौर से देखा जाए तो ये साल शिक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए निराशाजनक साबित हो सकता है। इस क्षेत्र में सफलता के लिए विशेष मेहनत करने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंध। तुला राशिफल 2020 के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए ये साल मध्यम फलदायी सिद्ध होगा। मई से सितंबर का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहेगा। इस साल प्रेम संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे और जीवन में शांति बनी रहेगी। ऐसे लोग जो अपने प्रेमी के साथ विवाह करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये साल मनचाहा फल देने वाला साबित होगा। ऐसे काम करने से बचें जो आपके जीवन साथी के दिल को चोट पहुंचाने वाला हो। अपने प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें और रिश्तों में एक मर्यादा बनाए रखें। क्या करें क्या ना करें। शनिवार के दिन मंदिर जाकर काले चने बांटें, गरीबों की मदद करें, चींटियों को आटा खिलाएं, कार्यस्थल पर अपने सहकर्मी से अच्छा बर्ताव करें, हीरा रत्न धारण करें, गाय की सेवा करें और छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसी चैनल के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारी रोचक बातें लेकर आएंगे। धन्यवाद।